गाइस गुड मॉर्निंग, डे फोर्थ और फिफ्थ, और अभी बज रहा है रात का 3:30, सुबह का 3:30, और हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स और हाउस माय न्यू कैब बिग हूटर्स। हाँ, हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स जो कि है कनाडा बॉर्डर, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं टाइम स्क्वायर, हमारी बस टाइम स्क्वायर से। गाइस रात का बज रहा है 3:30 सुबह, देखो टाइम स्क्वायर। This is Times Square, proper Times Square, जहाँ पे लोग बैठते हैं, और यहाँ पे हम अपना रील्स चला सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी दे सकते हैं लोग, और यहीं पे न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है इस रोड पे। तो आपका अगर आप रील्स चलाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना कैसे सुबह सुबह लेबर्स काम कर रहे हैं टाइम्स स्क्वायर पे। इधर से क्रॉस कर लेना। हाँ, तो गाइस ये हमारी बस जो हमें लेके जाएगी नायग्रा फॉल्स, और ये यहाँ से एक वन वे का जर्नी है 8 आवर्स। हम खड़े हैं टाइम्स स्क्वायर पे, टाइम्स स्क्वायर पे बस छूटती है। आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, कांटेक्ट करना मेरे से। फूड मार्केट, फूड फार्मेसी है। Look to the left, Niagara Falls and the province of Ontario. Province of Ontario, Ovo Ontario City, Canada Ontario City. Nueva York, como se los conoce, esta parte del río, esto forma the American Rapids. This side of the river will become the American Waterfalls. American Waterfalls. They're about one third or one fourth of the size of the other waterfalls, which is the other side of the island. सो गाइज, हम आ चुके हैं अभी नायग्रा फॉल के अगल बगल, आपको दिखाएंगे अभी हम जाएंगे। ये हमारा ग्रुप है, ये जो ऑरेंज में भैया दिखाई दे रहे हैं ये हमें दिखाएंगे, इनका नाम रोबर्टो है, और इस आइलैंड का नाम है गोट आइलैंड। गोट आइलैंड याद रखना है आपको। ये हम लोग गोट आइलैंड में, हमारा ग्रुप चलना शुरू हो गया है, और ये कुछ बत्तख है। हमारा हम जहाँ पे वो अमेरिकन साइड है, कनाडा साइड इस साइड है बगल में, नायग्रा फॉल देख लो भाई। वाह, वाटर गिर रहा है, देखो भाई। और ये बादल बन जा रहा है वापस। गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो नायग्रा फॉल है, और ये साल पानी जैसे नीचे गिर रहा है वैसे ही बादल बन के ऊपर से भी चला जा रहा है। और ये कैसीनो दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसीनो, ये कनाडा, ये है कनाडा टोरंटो, यहाँ से बस कुछ ही डिस्टेंस पे। ये कनाडा का ओंटारियो, ओंटारियो टाउन है, ओंटारियो शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। गाइस देखो ये पानी आ रहा है, और इस पानी में 5,000 लोग मरे हैं गलती से, चाहे सुसाइड चाहे वॉट एवर, 5,000 लोग मरे। और अगेन गाइस ये कनाडा है, ओंटारियो, ओंटारियो एंड दिस इज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। चलो चलते हैं, और आपको और बगल से दिखाते हैं नायग्रा फॉल।
वाह, ये आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन हमारे ऊपर पानी गिर रहा है। तो गाइज एक चीज़ और, हम यहाँ से लेंगे बोट ट्रिप और बोट ट्रिप लेके हम लिटरली कनाडा के अंदर जाएंगे और वहाँ पे लैंड नहीं करेंगे, उतरेंगे नहीं लैंड में, लेकिन हम कनाडा से वापस वाटर के वाया वापस आ जाएंगे। तो चलो यहाँ से दिखाते हैं आपको जगह पे, इधर आइए। हाँ हाँ देखो गाइज हम वहाँ पे जाएंगे। ओ देखिए रेनबो दिखाई दे रहा है, वाओ रोबर्टो। सो दिस इज कनाडा, एवरीथिंग ऑन द यू नो द राइट That's right. It's Canada. So this building, this tower, everything is Canada. Wow, wow. Take me there, Ayana. मैं पानी पानी हो गए, 5000 लोग इसमें गिरा है भाई। और इसमें एक चीज है कि इसमें एक ओलंपिक चैंपियन था, ओलंपिक चैंपियन स्विमर, वो बोला कि मैं कूदूंगा इसमें और मेरे को कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं ओलंपिक चैंपियन हूँ गाइस, ये ध्यान से सुनना। और वो कूदा मर गया, और एक नॉर्मल लड़की थी वो कूदी, वो बच गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ज़्यादा हीरो नहीं बनने का गाइस। तो ये कनाडा है और ये मेरे हाथ में अंगूर है, वो कनाडा और ये अंगूर है, चेरीज है, चेरीज है। तो फेसबुक ऑन किया चेक इन के लिए तो कनाडा का ऑन्टेरियो आ रहा है। वाह, वी आर सो क्लोज टू कनाडा, बट नेक्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह गाइस। तो नॉर्मली जब आप आ रहे हो फैमिली के साथ आ रहे हो, मैं और अभिषेक भाई थे इसीलिए हमने डे ट्रिप लिया। डे ट्रिप बड़ा लंबा है वैसे, बाय द वे सुबह 4 बजे हम निकले न्यूयॉर्क से, यहाँ पे पहुँचे 12 बजे, और यहाँ पे फिर हमें 3 घंटा ही मिल रहा है घूमने फिरने के लिए और बोट राइड के लिए। लेकिन आप आ रहे हो फैमिली के साथ तो आप 2 दिन यहाँ पे रुक सकते हो, एक रात रुक सकते हो। एवरी नाइट यहाँ पे फायर वर्क्स होता है, वो कनाडा कराता है, फायर वर्क्स इज़ डन बाई कनाडा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट से आप देख सकते हैं फायरवर्क्स, नायग्रा फॉल का लाइट शो होता है वाटरफॉल में, वो अमेरिका कर रहा था। बट हम रात को रुकेंगे नहीं, हम जाएंगे बस, अभी वाटरफॉल देख लिया, अब वाटरफॉल को एकदम टच करने जाएंगे वाया बोट, हमें दे देगा, पूरा पहना देगा, ऊपर नीचे कवर कर देगा। हमें बोला था कि चप्पल पहन कर आना, वहाँ पर भूल जाओ मतलब वहाँ पर गीला हो जाओगे, हम शूज़ में आ गए क्योंकि हमें कैरी कुछ नहीं करना था। एंड बस चलो चलते अंदर। बाय द वे हाउस अगेन हाउस माई न्यू कैप बिग हुटर्स गाइज। ये एक और फॉल है, ये अमेरिकन साइट, कैनेडा अगेन, कैनेडा। हेलो कैनेडियन, वी आर अमेरिकन। ए आंटी आराम से, 5000 लोग गिरा है इसके अंदर, तुम साला एक और हो जाओगे। ये देखो वहाँ तक जा सकते हैं, चलो वहाँ तक चल के दिखाते हैं आपको। तो गाइज एक चीज़ और देखो, जितने भी देखो ये कैनेडा वाले लोग बोट पर चढ़ रहे हैं उनको रेड अम्ब्रेला दे रहा है, रेनकोट सॉरी, और यूएस वाले लोग को ब्लू, जिससे पता चलता है कि वो अमेरिकन बोट, ये अमेरिकन है और वो कैनेडियन है। देखो गाइस एक चीज़ और, ये आधा ब्रिज ये अमेरिकन लोग अमेरिकन साइड यहाँ तक जा चुके हैं, लेकिन कैनेडा का आधा बॉर्डर, आधा ब्रिज क्रॉस नहीं कर पा रहे क्योंकि इसका भी वीज़ा चाहिए ना। कनाडा साइड में वाटर बहुत गंदा है, हम हग मुद दिया। यूएस साइड पूरा क्लीन वाटर है। तो ये हम वापस एक गोट आइलैंड के अंदर, एक छोटा सा आइलैंड है, वापस उस आइलैंड में आ गए और यहाँ पे कुछ सीन ऐसा है, यहाँ पे भी वाटरफॉल और वो कनाडा। मनीषा के काफ़ी फ्रेंड्स रहते हैं कनाडा में। Final del paseo, ese edificio alto que se ve ahí. Yo te voy a mostrar el paseo. Entonces, la temperatura es un tono azul o un verde. Entonces, vamos a ver. Aquí se puede ver un puente. Aquí se puede ir. 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 A
गाइस अभी हम जा रहे हैं, क्या कह भाई अभी कहाँ जा रहे हैं, मेड ऑफ द मिस्ट। वी आर गोइंग टू द मेड ऑफ द मिस्ट। वो आपको पता चलेगा वहाँ पे जाने का कि उसका मिस्ट्री क्या है, उसको मिस्ट क्यों बोलते हैं, मेड ऑफ द मिस्ट। तब तक मेड ऑफ द मिस्ट आ रहा है, चलते रहो। हम लोग ठीक ये इसके बगल में चलते जा रहे हैं फॉल के। ये भी हम ब्रिज पे हैं, ये ब्रिज हमें लेके जा रहा है मेड ऑफ द मिस्ट। अमेरिका, कनाडा, कनाडा, अमेरिका। देखो ये है नायग्रा फॉल्स स्टेट पार्क, यूएसए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ट्रेन सर्विस, बस सर्विस, घूमते रहो यहाँ पे पार्क में। तो भाई ये काउंटर है, यहाँ से टिकट लेना है। रोबर्टो भाई टिकट ले रहे हैं हमारे, इनका नाम है रोबर्टो। और ये हमारा ग्रुप है पीछे। तो टिकट का दाम ये है, जाएंगे फिर अंदर। गाइस तो टिकट मिल गया है, अभी ऊपर जाना है और ऊपर स्लाइड जाके खड़े हो जाना है, फिर वो बुलाएगा भाई। थैंक यू, आर यू एंजॉयिंग? यस। देख लो गाइस आ गए यहाँ पे। अब यहाँ से अपन को मिलेगी अपनी क्रूज बोट, ओपन क्रूज बोट, जो लेके जाएगी हमें मेड ऑफ द मिस्ट। सो गाइस मैंने तो पहन लिया है रेनकोट, क्या क्या बोल रहे हैं वो डेयर डेविल ज़्यादा है वो अंदर पहने का। और ये रहा कैनेडियन साइड का क्रूज, वो कनाडा है क्योंकि कैनेडियन साइड। और ये अमेरिकन साइड, एज आई सेड, ब्लू वाला अमेरिकन, रेड वाला कैनेडियन। तो गाइस हमारी बोट चल रही है और हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स के एकदम करीब। वैसे ये सब भी फॉल्स है लेकिन ये सब छोटे छोटे फॉल्स है, हम जाएंगे मेन वाला। In 1885, our boats evolved to single-stack steamboats that ventured closer to the Horseshoe Falls than any boat ever had before. In 1955, the first modern Maid of the Mist boat entered the river of North America's first all-electric vessels. These zero-emission boats offer an experience that is undisturbed by engine noise. Ye fall hai, but the main fall is that side. सो इस एरिया को प्रिजर्व करने के लिए ये लोग डीजल बोट और पेट्रोल बोट नहीं है, इलेक्ट्रिक बोट है। और क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है तो इसको प्रिजर्व भी रखना है गवर्नमेंट को, कनाडा गवर्नमेंट प्लस यूएस गवर्नमेंट को, ये लोग मिल के इलेक्ट्रिक बोट चलाते हैं यहाँ पे। और पहली बार 1950 में पहला बोट वहाँ पर गया था नायग्रा फॉल्स के बगल में, रिस्क लिया गया। तो उसके बाद से लोग जाते हैं वहाँ पे और हम भी आज जा रहे हैं लेक ओंटारियो एंड फाइनली टू द एटलांटिक ओशन। और फिर यहाँ से पानी बह के अटलांटिक ओशन में चला जाता है। हम देखो वहाँ पे खड़े थे, वहाँ से देख रहे थे नीचे बोट्स को, अब हम बोट के ऊपर हैं और यहाँ से कैनेडियंस हमें देख रहे हैं। As we approach this iconic wonder, we once again remind you that for your own sake. अरे बिस्ती हो गया रे, बिस्ती हो गया, बारिश हो गया, दिख कुछ नहीं रहा है, दिख कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। बीच ले आया नायग्रा फॉल के, ओ गॉड, लेकिन अलग फन है, अलग फन है भाई, गाइस पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, बट बहुत जोर से यहाँ पे बारिश नहीं, नायग्रा फॉल के बूंदे गिर रहे हैं। छोड़ देने का है।
Niagara Falls. Yeah. Jaggi bhai, can you tell something about Niagara Falls? Mist. Guys, इसीलिए इसको बोलते हैं मेड ऑफ द मिस्ट. देखो हमारे पीछे द फकिंग अमेरिका. बाय बाय. मेड ऑफ द मिस्ट Niagara Falls. इट वॉज नाइस, वेरी नाइस. Canada, next visit to you. Guys, because यहाँ पे इतना बड़ा Niagara फॉल और waterfall है, तो Tesla ने 3 power plant लगाया है. दो Canada के साइड, एक US के साइड, और 4 million घर दिखाई दे रहा है आपको. हाँ अभी ठीक है. 4 million घर को everyday electricity मिलता है. This is observation deck. चलो बहुत हो गया, अब करते हैं इस Niagara Falls को बाय बाय और चलते हैं बैक टू न्यूयॉर्क. जैसे आप Niagara Falls से नीचे उतरोगे, आपको अपने आप इस स्टोर पे एंट्री मिल जाएगी. यहाँ पे आप सोविंदर खरीदो Niagara Falls का मेड ऑफ द मिस्ट Niagara Falls. चलो अपने को तो कुछ खरीदना है नहीं, क्या खरीदना है ये सब. हाँ वही है, पार्किंग उधर है.